सबसे ज्यादा पसंद विराट कोहली, और विराट कोहली की वजह से मुझे पूरी टीम पसंद है। ये सहवाग भी कह चुके हैं, ये हरभजन भी कह चुके हैं, होते हैं हम अपनी इंडिया टीम का जब दूसरी टीम्स के साथ होता है लाइक ऑस्ट्रेलिया, तब हम कहते हैं कि इंडिया जीते। उन्होंने कहा मुझे इंडिया से बहुत मोहब्बत मिली, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स है ना इनको बहुत प्यार मिलता है इंडिया में। तो पता चलता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो उसकी टिकट सबसे पहले सेल आउट हो जाती है कि भाई इनका ये मैच देखना है। और जो इंडियन प्लेयर्स हैं इनको बहुत प्यार मिलता है पाकिस्तान में। हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूं इशा तारिक और मेरे साथ हैं, और मैं हूं फैसल, और हम वीडियो देखने वाले हैं इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान में आ गए हैं। ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है और ये हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि ये हमारी नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के जो क्रिकेट लवर्स हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान आए और पाकिस्तान खेले, हम और विराट कोहली से मिले और मतलब उनको देखे मिल नहीं सकते लेकिन लाइव देख सकते उनको हैं उनको। जो हम टीवी पे खेलते हुए देखते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सारे जो बुमराह, शमी, सारे जितने भी प्लेयर्स हैं इंडिया के वो इधर हम लाइव उनको देखें, ये पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश है। और इसी तरह जो है वो हर बंदा यही चाह रहा होता है कि किसी तरह किसी इवेंट में इंडिया की टीम आ जाए, लेकिन यहाँ पे कोई एक तो सैड न्यूज ये है के नहीं आते। हाँ। लेकिन अभी ये खबर सुनने को मिल रही है, हो सकता है कि आ जाएं, लेकिन अभी 50-50 चांस है कि जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है ना उसमें इंडिया की टीम आएगी, ये सुनने को मिल रहा है कि आएगी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आ जाए और ख्वाहिश करते हैं कि आ जाए, लेकिन ये जो वीडियो है ना ईशा, ये वीडियो है एक सोशल एक्सपेरिमेंट। पाकिस्तान का एक चैनल है, उन्होंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें वो इंडिया के प्लेयर्स की किट पहने हुए हैं और मार्केट में जाते हैं, और साथ उन्होंने एक बंदा रखा हुआ है जो उनको जो है वो बुरा भला कहेगा और देखेगा कि पाकिस्तानी अवाम सपोर्ट करती है कि क्या कहते हैं पाकिस्तानियों के, क्या रिव्यूज हैं आपको, कितनी टीम पसंद है इंडिया। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा पसंद विराट कोहली, और विराट कोहली की वजह से मुझे पूरी टीम पसंद है। मैं पहले मतलब मुझे क्रिकेट का इतना शौक नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ बस विराट कोहली को इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ, और अनुष्का की वजह से मैंने उनको देखना शुरू किया था, और अब मुझे अनुष्का से ज्यादा विराट पसंद है। ज्यादा विराट पसंद है। विराट के अलावा पूरी टीम कैसी लगती है आपको? हाँ, पूरी टीम ओवरऑल, पहले मैंने धोनी को मैं देखती थी, फिर विराट कोहली को, मतलब उनकी वैसे ही टीम ऐसी है कि जब भी वो खेलने आते हैं ना ग्राउंड में तो हर किसी को पता ही होता है भाई कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट बॉल पे, कुछ भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है, एक अच्छी टीम है, और जब भी इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला होता है पाकिस्तानी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इंडियन अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हम जो है वो हम जब देखते हैं ना तो दोनों तरफ एक ना वो कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो जाए बाकी सारे मैच एक साइड पे, मतलब 40 मैच हो रहे हो ना तो वो उसकी एक्साइटमेंट एक साइड पे होती है, और इंडिया और पाकिस्तान के मैच की एक्साइटमेंट एक साइड पे होती है। जब भी कोई ट्रॉफी होती है जैसे चैंपियन ट्रॉफी है तो उसमें पता चलता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच है तो उसकी टिकट सबसे पहले सेल आउट हो जाती है कि भाई इनका ये मैच देखना है, क्योंकि दोनों जो कौमें हैं ना, दोनों जो मुल्क हैं, जज्बाती हैं, बहुत पसंद करते हैं अपनी अपनी टीमों को, और बहुत क्रिकेट लवर हैं। इंडिया के जो लोग हैं वो भी बहुत क्रिकेट लवर हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो भी बहुत क्रिकेट लवर हैं, तो फिर वो एक राइवलरी उनकी जब देखने को मिलती है, वो कहते हैं साल एक में एक आध मैच देखने को मिलता है उसमें तो एंजॉय कर ले। और मैंने ये भी देखा है फैसल कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान ऑब्वियसली कहते हैं कि पाकिस्तान जीते, जाहिर है हम सारे जो होते हैं हम अपनी टीम को चेयर करते हैं। इंडिया का जब दूसरी टीम्स के साथ होता है लाइक ऑस्ट्रेलिया, तब हम कहते हैं कि इंडिया जीते, इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब भी उनका मैच किसी और टीम के साथ होता है तो हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन है, क्या चाहते हैं वो इंडिया के प्लेयर्स को देखना चाहते हैं पाकिस्तान में या नहीं, जो भी है वीडियो में देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते भाई, आप क्रिकेट देखते हैं? अबे देखा नहीं चाचा, इन लोगों ने मैच में कितनी फिक्सिंग करी है यार, बेशरम यार, बेशरम भाई साहब। तुम लोग निकाल एयर शर्ट इधर से, तेरे को दी किस टक्कर जो दे रहा है भाई, जा भाई साथ दे रहा हूँ, क्या हुआ, चल यहाँ से, मतलब कोई तीसरा बंदा प्लांटेड साथ में। नमस्ते भाई और नमस्ते, जय श्री राम अंकल, इंडिया से आए हम लोग। अस्सलाम वालेकुम। आज के सोशल एक्सपेरिमेंट में हमने अपने दो कैरेक्टर्स को इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स बनाकर पाकिस्तान में घूमता दिखाया, और हमारा तीसरा कैरेक्टर आएगा जो उन्हें तंग करेगा। अब देखना ये है कि पाकिस्तानी अवाम इनकी बातों का जवाब क्या देती है। अब इन लोगों के लड़कों में पता नहीं क्या सीन है, बिल्कुल ठंड में। मेरी टीम फेवरेट भी इंडिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कोहली। आप आए हो, हमारे मेहमान हो यार। फ्री है यार, ऐसा नहीं है,
बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, हम लोग जो देना। अबे बल्ले देख यार, मोहब्बत देखो, बहुत मशहूर बढ़ते होते हैं यहाँ के लोग। बहुत हैरान हुए लेकिन उन्होंने इंडियन खिलाड़ियों का भरपूर इस्तकबाल किया। हमने अपने तीसरे कैरेक्टर को उन खिलाड़ियों को तंग करने के लिए भेजा। चलें देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन है। And I do respect the respect for MS. Yes, sir, भाई। यार इसका कोई सही ये गिरेगा? हाँ। जी भाई। Yes, sir. हाँ भाई। इनके लिए है। Yes, sir. हाँ भाई। जी भाई नमस्ते। मैं नमस्ते क्या जोड़ रहा है तू हाथ मेरे? यहाँ क्या कर रहे हो? अबे देखा नहीं चाचा इन लोगों ने मैच में कितनी फिक्सिंग करी है यार। भाई आप परेशान ना हो, आप हमारे मेहमान हैं। चाचा ने लड़के की बदतमीजी पर खिलाड़ियों से माफी मांगी। आजकल आप खुद बताए फिक्सिंग करते हैं नहीं करते, ईमानदारी से अपने। यार आप अजीब सी बात कर रहे हैं भाई। अबे अभी आप बल्ला देख रहे थे ना, ये देखने का फायदा नहीं है, जीतना तो आप लोग ने वैसे भी फिक्स करके। बेशरम यार बेशरम साहब। हम लोग लड़के की बदतमीजी पर लोगों को शर्मिंदगी महसूस। आप कौन हो? क्या सारे आपकी टीम ने क्या करा है? आपकी टीम ने क्या किया है भाई? क्या हो गया मेरे भाई? वीडियो नहीं बनाओ। अबे यार ये क्या बदतमीजी है? ये क्या है? आप इसको नीचे करो। लड़के ने खिलाड़ियों को तंग करते हुए उनकी वीडियो भी बनाई। पता नहीं तुम्हारा जमीर गवारा कैसे होता है। अबे मेरा हो रहा है, क्या चल क्या भाई साथ दे रहा हूँ क्या कुआ? चल यहाँ से। तू क्यों तंग कर रहा है भाई हमें? वो मेहमान है हमारा, उपस्थित मेहमान है यार भाई। चंद फन है यार, कॉन्स्पिरेसी करने आए यार। अरे भाई हम खेलने नहीं आए, हम अपना भाई हम खेलने नहीं आए यार। मेरी बात सुनो भाई, खेलने नहीं आए। खुद बताओ वो जो आपके विराट कोहली सर वाइड गई थी, वो वाइड नहीं थी कोई, वो वाइड ही नहीं थी भाई यार। ये देख रहे हैं आप, जज्बाती हो गए। मैं मेहमान बन के आया हूँ। मेहमानी से नहीं जीते, मेहनत से हार कर आए, ठीक है? आपकी तरह नहीं है, मेहनत से हार के आए यार। कैसे बदतमीज आदमी, आपको बात करने की आपको तमीज है नहीं है? निकाल यार शर्ट इधर से, तेरे को धक्का क्यों दे रहे भाई? अरे मेहमान है यार, मेहमान के सब इसको देखो यार, समझाओ यार भाई। माजरत जी, जब बोलना ही झूठा, ये बुक का फायदा क्या? पढ़े लिखे जाहिल और झूठे लोग। आपने आपने सच्चाई से खेल लिया। हमारा जो हिसाब किताब ये है कि हम नेगेटिविटी को तो फॉरेन कैप्चर कर लेते हैं, उसको वायरल कर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड को हम दिखाते ही नहीं दिखाते। पाकिस्तान का क्या है कि लोगों ने एक इमेज बना दी है कि नेगेटिव है। यार आप जब नेगेटिविटी, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी दिखाओगे तो पॉजिटिव साइड कहाँ दिखेगी? आप वो एक बंदा आया, वो आपको ट्रीट करके गया, उसका क्या मतलब था? इसका ये मतलब ये थोड़ी था कि सारे पाकिस्तानी आपको मैसेज। अगर आप इंडिया से आपका ताल्लुक है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि यार आप हमारे मेहमान हो। खत्म हो गए जब हम एवरसन खेलते थे ना, वो टाइम खत्म हो चुका है। हमारी तो देखिए जिंदगी में यही चलता रहता है, कभी हारते हैं। कुछ लोगों ने खड़े होकर तमाशा देखा और कुछ लोगों ने मेहमान नवाजी का हक अदा करते हुए इंडियन खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करने वाले लड़के को भगा दिया। देखकर अच्छा लगा कि लोग उनकी मदद के लिए आगे बढ़े। हम लोग इंडिया का है, दिल्ली का। यहाँ का तो है, यहाँ पे कार है, यहाँ मैच खेलने आते हैं यार। मैंने सिर्फ ये देखा आप बड़े हमारे, हमें आपकी इज्जत करनी चाहिए, हम आपके पास आगे खुद बैठे। नतीजा बर्बाद है, छोटा हो या बड़ा, पहले सलाम में पहल करो। लोगों ने मोहब्बत का इजहार करके ये साबित कर दिया कि वाकई पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। गलत है, वो गलत है ना, आप इंट्रोड्यूस कुछ किया है, हम अब आप कुछ नहीं करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एक स्पेशल कॉर्नर है कोहली के लिए कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है मैं एक बार उसके एक्सेप्ट में। खेल को खेल समझा जाए, पाकिस्तानी अवाम तंग नजर नहीं, वो आज भी भारतीय टीम के फैंस हैं। उम्मीद है आपको हमारा आज का सोशल एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल डम टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी ईशा, तो कैसा लगा एक्सपेरिमेंट?
अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो सबसे मुझे अच्छा लगा वो लड़का जो ग्लासेस वाला था, वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा था प्रॉपर कि नहीं भाई नेगेटिविटी को नहीं देखना चाहिए, पॉजिटिविटी को प्रमोट करना चाहिए। मतलब उसके दिमाग में ये होगा कि इस एक लड़के की वजह से पूरे पाकिस्तान का इमेज ना खराब हो जाएगा। तो वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और एक जो उन्होंने बात की ना कि पाकिस्तान में इंडियन टीम के बहुत ज्यादा फैंस हैं, तो ये तो हकीकत है भाई कि आप अगर कहीं पे भी जाके कहोगे ना कि आपको इंडियन टीम कैसे लगती है तो वो कहेंगे बहुत अच्छी लगती है। अगर उनसे पूछे इंडिया पाकिस्तान में से कौन जीते तो कहेंगे पाकिस्तान जीते। हाँ। अगर उनसे कहो कि अगर उनका मैच इंडिया का किसी और टीम के साथ है तो कहेंगे इंडिया के साथ जीते। खास तौर पे इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ है तो इंडिया जीते। हाँ। तो ये चीजें हैं और बात बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कि अच्छे बुरे लोग जो है ना वो हर जगह पे होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह पे होते हैं, लेकिन जो है पाकिस्तानी पॉजिटिव हैं, वो मेहमान की इज्जत करते हैं। वो एक इधर मैं एक वाकया कोट करूंगा कि जब इंडियन टीम आई थी ना पाकिस्तान में तब ये हालात नहीं थे, तब बड़ा सुकून था और टीम में आना जाना था, तो वो मार्केट्स में गए वरिंदर सहवाग ने, विराट कोहली जब अंडर 19 में था तो विराट कोहली भी आया था। अच्छा, इस तरह से जैसे ये अभी जा रहे हैं, जैसे ये गए थे उनकी पिक्चर्स भी इंटरनेट पे मौजूद हैं, और सहवाग ने और किसी प्लेयर ने एक वाकया भी शेयर किया था कि हम जहाँ पे जाते, हरभजन सिंह ने भी एक वाकया शेयर किया था कि जब हम गए तो उन्होंने, हम तो एक दो साड़ियां लेने गए वहां से अपने घर के लिए, तो उन्होंने हमें 8-8, 9-9 साड़ियां दी और फ्री, मतलब हाँ। पैसे भी शॉप वालों ने लिए, तो जो पाकिस्तानी शॉप कीपर्स थे उन्होंने हमें बड़ी इज्जत दी, बड़ी मोहब्बत दी। ये सहवाग भी कह चुके हैं, ये हरभजन भी कह चुके हैं, ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना जब वो मार्केट में जाते थे उनको आगे से मोहब्बत मिलती थी, तो इससे वो सारा फिर उन्होंने इंडियन टीवी में ये चीज़ें बातें की थी, बताया था ये चीजें हैं, और उसी को अगर एक्सपेरिमेंट ये देखे ना तो ये रियलिटी तो भी है। हाँ। कि उनको इतनी मोहब्बत मिली थी। और अभी भी आपने देखा है वो एक मतलब स्टॉल पे गए, वो उन्होंने जैकेट्स वगैरह शायद हैंग की भी थी, तो वो कह रहे हैं आप फ्री ले जाओ भी, कि वो भी दिख रहा है कि वो भी नॉर्मल है, वो कोई उसकी पूरी शॉप नहीं है कि वो बहुत ज्यादा कमाता होगा, नॉर्मल से है, लेकिन वो कह रहे हैं आप ले जाओ, आप हमारे मेहमान, आप हमारे मेहमान हो, आप इंडिया से आए, इंडिया की टीम। और इसी तरह ही शायद फरीदी से किसी ने पूछा था कि आप जब इंडिया में गए तो आपको कैसा फील हुआ, तो उन्होंने कहा मुझे इंडिया से बहुत मोहब्बत मिली। शोएब अख्तर से पूछा, उन्होंने कहा मुझे इंडिया में बहुत मोहब्बत मिली। तो जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं ना इनको बहुत प्यार मिलता है इंडिया में, और जो इंडियन प्लेयर्स हैं इनको बहुत प्यार मिलता है पाकिस्तान में। तो शाहिद अफरीदी ने बल्कि इतना कह दिया था कि मुझे तो इतना इंडिया से प्यार मिला है, तो फिर वो बाद में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि अच्छा कितना प्यार मिला। फिर उन्होंने बताया था कि यार मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मतलब कि जो लोग हैं वो मेरा बहुत इज्जत करते थे, मेरे साथ पिक्चर्स बनाते थे और कहते थे कि हम, हमारी ये ख्वाहिश है कि आप इंडिया में आओ और इंडिया में खेलो। शाहिद अफरीदी एक टाइम पे वैसे बहुत पॉपुलर थे, बहुत पॉपुलर थे, उन्होंने बहुत फेम, और शोएब अख्तर को, शोएब अख्तर भी ऐसा प्लेयर है जिसको बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है इंडिया में, और इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो है वो एक दूसरे की टीमों से प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, नजर आ रहा है। जिस तरह से दिखा रहे थे ना, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने टोटली इग्नोर किया, मतलब वो लोग होते कि वो उन्हें के इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं दे रहा, वो अपनी टेंशन परेशानियों में गुजर गए, मेरी अपनी परेशानियां, मैं चलता हूं। लेकिन जिस तरह शॉपकीपर वालों ने, शॉपकीपर से फिर आपने देखा कि मतलब जो ऐसे ही चल के जा रहे थे, वो एक बच्चा था वो कहता मैं साथ दूंगा तुम जाओ, मैं साथ दूंगा, मैं साथ खड़ा हूं, कुछ कह के तुम दिखाओ, ऐसे ही। या फिर काफी लोग ऐसे थे वो खड़े हुए थे उनका साथ दे रहे थे प्रॉपर, और फिर वो मतलब जिस तरह से उनको, वो मतलब एक्टर भी अच्छा खासा था, वो जिस तरह से बातें लगा रहा था, थर्ड कैरेक्टर उन्होंने बीच में जो डाला हुआ था ना, वो सही एक्टिंग कर रहा था और देखना चाह रहा था कि मैं अगर मतलब तंग करता हूँ या रेस करता हूँ तो लोग क्या कहते हैं, इनको आगे डिफेंड करते हैं नहीं करते, तो लोगों ने डिफेंड किया, ये एक पॉजिटिव थिंग थी और ये बहुत अच्छी चीज है। और पाकिस्तानी जो है वो बहुत जो है वो पॉजिटिव माइंड सेट वाले लोग हैं, मोहब्बत करते हैं इंडियन से। अभी हमने कुछ टाइम पहले ब्लॉग देखे हैं, जितने भी देखे हैं जब इंडियन ब्लॉगर्स यहाँ पे आते हैं तो वो उनको बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं, जब पाकिस्तानी ब्लॉगर्स इंडिया में जाते हैं तो इंडियंस बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। और खासतौर पर वैसे ये जो क्लास है ना, लाइक मिडिल क्लास हम कह सकते हैं, ये लोग ज्यादा शायद करते हैं, क्रिकेट के ज्यादा फैंस होते हैं, लोग क्रिकेट भी शौक से देखते हैं और ये लोग ज्यादा पसंद करते हैं इंडियन टीम को, या ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा। लड़का नहीं कह रहा था कि कोहली जो है मेरे दिल के अंदर, कोहली से मिलना है, ख्वाहिश है, वो कह रहा था ख्वाहिश है कि जो मिलना है, और वो ख्वाहिश पूरी हो सकती है अगर 2025 में जो है चैंपियन ट्रॉफी में इंडियन टीम आ जाए, हम तो यार विश करते हैं कोहली को देखना, वो समझेंगे कि हमने मिल लिया, काफी आई मिल लिया, हमने देख लिया, विश पूरी हो गई। बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं जब हम इंटरव्यूज वगैरह करते हैं तो कहते हैं यार जिंदगी की एक ख्वाहिश है इंडियन टीम को लाइव देखें खेलते हुए पाकिस्तान के अंदर, और वो फिर उन्होंने अगर बाजारों में गए तो वो तो शायद अब
जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, लेकिन अगर वो बाजारों में गए ना तो पूरी दुनिया देखेगी किस तरह वेलकम वो नहीं जा सकते भाई, यहाँ पर तो कुछ पूरी ब्लॉक हो जाएगी। पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तानियों ने कैसा वेलकम किया और पाकिस्तानी कितना पसंद करते हैं इंडियन टीम। और ये हर बार हम सुनते हैं कि इंडियन टीम इस बार आएगी पाकिस्तान, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स जो है ना दोनों साइड की, पॉलिटिक्स जो है ना वो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर पॉलिटिक्स को नहीं आना चाहिए। स्पोर्ट्स जो है ना वो मोहब्बत क्रिएट करती है। स्पोर्ट्स जो है खास तौर जो क्रिकेट है ना, ये एक ऐसी गेम है जो दोनों कंट्रीज के लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती है, मोहब्बत होती है, एंजॉय करते हैं लोग। ओवरऑल एक्सपेरिमेंट जो है वो कैसा लगा? ओवरऑल एक्सपेरिमेंट अच्छा था कि मतलब थोड़ा डिफरेंट था, ये कह सकते हैं कि थोड़ा डिफरेंट था कि इंडियन टीम पाकिस्तान आई है। स्टार्ट में आप लोग समझोगे हाँ ये कब हो गया। बाकी आप बताएं आपको कैसी लगी वीडियो, हमारा ओपिनियन कैसा लगा। आप अपनी कोई भी बात शेयर कर सकते हैं कि आपको पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कैसे लगते हैं, आप उनसे मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते। अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, देखते रहें हमारे चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।